अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम पहुंच गए हैं पिंडी। तो ये है कि अब हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला मुजफ्फराबाद की तरफ। हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। मेरे साथ दो दोस्त भी हैं मेरे। अब इंशाल्लाह जो है हम आगे निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। तो आपको रूट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और वहाँ पे जो भी हम इंजॉयमेंट करेंगे और वहाँ पे जो ऐसी लोकेशंस होंगी कि जो दिखाने वाली हो, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बारिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही थी, तो मेरे पीछे ये देखें, ये पहाड़ दिख रहे होंगे आपको चारों तरफ। और मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ पर जो है वो लेक है, ये बहुत तेज़ इसका बहाव है। ये चेक करें, व्यू चेक करें आप बस। मतलब यार, कराची से पैसे देखे ना, हम सिर्फ इस चीज़ के लिए आए, ये सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए। तो होप सो आप लोगों को भी पसंद आ रही होंगी जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा इसी तरीके से। मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो पूरी देखनी है। एक पॉइंट पे रुका है मुजफ्फराबाद जाते हुए, यहाँ पे बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें पीछे मेरे, देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ है, और ये सामने का जो व्यू है ना, वो देखें, ये चेक करें। यहाँ से बहुत तेज स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन खैर दिखाना तो है आप लोगों को। देख रहे हैं नीचे इन रूट, और यहाँ पे अब बारिश हो चुकी है, और क्या हसीन नज़ारा हो गया है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि फ़ोन गीला हो जाएगा। तो उससे पहले एक लकड़ी वाला ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करें। मुझे डर लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ये ब्रिज हिल रहा है, लेकिन ये है कि यार आप लोगों को दिखाना था तो मैं आया हूँ। ये चेक करें, यहाँ पर कोई बचने का तरीका नहीं है, बस ये है यहाँ सेंटर सेंटर में रहना है, मैं खुद बीच में खड़ा हूँ। ये चेक करें आप भाई, हम लोग आए हुए हैं जन्नत अल जन्नत कश्मीर अबशार पे। ये बेसिकली कश्मीर लग गया है अब, तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके की। अब हमें जो है इसमें बैठना है और फिर क्रॉस करके जाना है वहाँ, तो ये सीन है। अब आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। बैठ चुके हैं केबल कार में, और यहाँ से बैठ के हम दूसरे एंड पे जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के जो है मैं आपको सीन दिखाऊंगा, और ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, और ये साइड पे भी देखें। बिल कार्ड से आ गए दूसरे एंड पे। यहाँ पे जो है एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग आके इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। मतलब एक तरीके का ना फैमिली स्पॉट है। ये चाय का ढाबा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें, और झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। जो है ये जन्नत आबशार के नाम से मशहूर है कश्मीर में, और यहाँ पे मैं आपको आबशार की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, मैं आपको दिखाता हूँ आबशार किस तरीके का है। यहाँ पे जो है वो रुके हैं, और हमने पकोड़ों को ऑर्डर दिया क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी। हमने जो है वो अभी पकोड़ों को ऑर्डर दिया, तो गर्मा गर्म पकौड़े आएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी डेस्टिनेशन पे, जो है मुजफ्फराबाद। वहाँ पे हमारा वन नाइट स्टे होगा, उसके बाद जो है कल हम अगले दिन निकलेंगे कश्मीर को बाकी एक्सप्लोर करने के लिए। आ चुके हैं, अब उसमें खा के आपको बताते हैं कि किस तरीके का पकौड़ा यहाँ का।
अभी भाई ऐसे टाइम पे अगर गर्मा गर्म पकौड़ा आपको नसीब हो जाए ना तो आपसे ज्यादा लकी कोई और है नहीं। दिखाता मैं, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भी ना वही सेम दरिया चल रहा है, ग्वाला दरिया। ये चेक करें आप, व्यू चेक करें, ये है कोई खतरनाक व्यू। बहुत लंबी लाइन लगी हुई वापस जाने के लिए। हम लोग अब सोच रहे हैं कि गलती कर दी हमने यहाँ आके। देखिए मैं आपको लेके तो जा रहा हूँ आगे, अब शार तक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो आपको दिखाया ये था दूसरा अबशार जो हमने देखा, ये समझ लें बहुत ही कोई ऊपर से आ रहा है, कम से कम 25-30 फीट से होगा, 25-30 फीट के ऊपर से पानी गिर रहा है। और यहाँ पे जो है ना बहुत ठंडा पानी हुआ है। फाइनली इतना सारा रास्ता तय करके थक के जो है हम आ गए होटल पे अपने, और अभी इंशाल्लाह आपको होटल का कमरा दिखाता हूँ। ऐसे कमरा बहुत बड़ा है और टीवी वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे बेहतरीन। तो ये है कि अब जो है रात का स्टेज यहीं करेंगे, वैसे ही कोई 7 बज गए तो रात का स्टे है यहाँ पे, खाना वगैरह भी यहीं पर ही खाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर सुबह दोबारा निकलेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़ यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।